हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, आपको पता है आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पीछे कैसी म्यूजिकल जोड़ी आ रही है, ऐसे दो धुरंधर लोग आ रहे हैं जिनकी बनाई हुई हर एक धुन जो है हमारे दिलों को छू जाती है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं 25 सालों से बेहतरीन म्यूजिक देने वाले, दमदार, धमाकेदार, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। कुछ करिए, कुछ करिए, रस रस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। हाँ कोई तो चल जिद पड़िए, डूब तरिए या मरिए। हाँ कोई तो चल जिद पड़िए, डूब तरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे वो चक दे इंडिया, चक दे वो चक दे इंडिया, चक दे वो चक दे इंडिया, चक दे। क्या बात है सलीम भाई, सुलेमान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 15 अगस्त की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत। अच्छा, मैं आपके आने से पहले जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं आप वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन एक लाइन मैंने जब बोली ना कि 25 साल से बेहतरीन म्यूजिक दे रहे हैं, तो मैं कसम से मुझे डाउट हुआ कि यार आपको जब देखता हूं तो लगता नहीं कि आपको 25 साल हो गए हैं। 25 सच में हुए हैं कि 12.5 करके 25 हुए हैं? बचपन से कर रहे हैं। इसीलिए 25 साल हो गए। जब भी आते हैं ना कब द कपिल शर्मा शो में, तो ऐसी रौनक जमती है शुरुआत से ही, मतलब जो माहौल बनता है ना, इट्स लाइक ये जब आप आते हो ना तो रौनक आप ही लगाते हो। हम लोग तो एंजॉय करते हैं। exactly. और मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई म्यूजिक फील्ड से आता है कोई, तो मेरा मन करता है सुनते जाएं। भाई सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल चल रहा है, आप दोनों पे कुछ असर पड़ा? हमने लॉकडाउन का पीरियड बहुत सही से इस्तेमाल किया, क्योंकि व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वाज, हमने बहुत पहले से सोचा था कि हमारा एक रिकॉर्ड लेबल होना चाहिए, म्यूजिक थोड़े से लाइफ में अपग्रेड हो जाए हम। अपग्रेड तो हमने मर्चेंट रिकॉर्ड्स खोल दिया और मर्चेंट रिकॉर्ड्स के दो गाने भी रिलीज कर दिए इस पीरियड में, इसी पीरियड। पर हाँ, मतलब वही है कि जब ऐसा कुछ माहौल होता है तो कुछ आविष्कार भी होते हैं। ये सैनिटाइज के चक्कर में हमारा जो गिटार वाला दिनेश नहीं है, हाँ। इसने बाल्टी में सैनिटाइजर घोल के तो गिटार डुबो दी। ऐसा करंट पड़ा, देख लो होठ नीले हो गए इसके। आइए सलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुलेमान भाई, प्लीज। थैंक यू। व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ ज़ेन ड्रम। ज़ेन ड्रम? ज़ेन ड्रम। ज़ेन ड्रम? या। ओह। तो इसमें काफी सारे अलग अलग साउंड है, जैसे मगर जब मूड होता है तो मैं कभी कभी क्या बात, और ऐसे काफी अलग अलग साउंड्स हैं, जैसे अगर तबले का साउंड, इट्स अ वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट एंड आई एंजॉय प्लेइंग दिस ऑन स्टेज, क्योंकि मुझे फ्रीडम मिल जाती है, नहीं तो ड्रम्स के ऊपर होते हैं तो यू गेट स्टक इन वन कॉर्नर, जैसे वो बैठे हुए। तू भी टेक्निकल हो थोड़ा सा। जहाँ पे भी जाते इतना सामान लेके तो सारा खर्चा तो इस पे हो जाता है। ये सही है, रख तू भी लेके। Play something now on this. Oh,
की चोरी मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडीज क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर क्या करूं ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर तो काफी सारे जैम्स ऐसे ही शुरू हो जाते हैं हम लोग रिहर्सल्स कर रहे होते हैं एंड कुछ एक ऐसे ही ग्रूव शुरू हो जाता है एंड ऐसे ही जैम शुरू हो जाते हैं व्हिच इज व्हाई आई लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट इट्स वेरी एक्चुअली इट्स वेरी कूल हैंड्स फ्री अभी ये बोलेंगे ना कि मेरे बेटे को भी ऐसा चाहिए तो इनको देना चाहिए बहुत बहुत स्वागत है कहने ही वाली थी यार बेटे को चाहिए नहीं नहीं ऐसे बोल देती हैं कभी कभी बेटा इनका फुटबॉल खेलता है कुछ भी बोल देती हैं कल इसको बोल देती मेरा बेटा ट्रम्पट बहुत लाइक करता है अभी सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा उठा रहा है ये क्योंकि मैं बिना सैनिटाइज किए कुछ फेंक नहीं सकती इसके ऊपर अब मैं ना कुछ सैनिटाइज करके रखूंगी तेरे लिए हथियार अच्छा एक बड़ी इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है जैसे अपने घर से सैनिटाइजर आता तो आदमी एक बार पचक पुचक करके सारा ही ये डेढ़ डेढ़ लीटर सैनिटाइजर खत्म कर देती हैं पूरे हाथ मल्ला उस दिन तो बाल धो रही थी सैनिटाइजर से फिर एक दिन मैंने देखा इन्होंने बड़े प्रोडक्शन में बड़े बजट का फायदा उठाना चाहिए यार आर्टिस्ट इतना भी नहीं मतलब उस दिन तो मैंने देखा अपनी गाड़ी में से रजाइयां निकाली और निकाल कर रजाइयां धो रही है मतलब हद हो गई मतलब हेलो एलियंस हाउ इज यू बेटी बेटी बहुत अच्छा लगा यू नो पहली बार मैं सलीम के साथ सुलेमान देखी है हाँ वरना सलीम के साथ मैंने हमेशा अकबर ही देखा था बताइए ये नाजुक सी अनार के लिए आपकी खिदमत में क्या पेश करे साहब गजरा की मुजरा ओ टुकड़ों की मिस इंडिया बैठो कहाँ कहाँ से आई हो तुम हाँ जब सलीम और अनारकली बात कर रहे तू काहे को बीच में अकबर बन रहे थे मेरे को बात करने दे वेरी नाइस यूसिया बहुत अच्छा लगा मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ बेबी माइंड मत करना इधर जो भी आता है उसको मैं यही बोलती हूँ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.